सो ऑलरेडी गई तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप अपने फेस को जो है स्मूथ कर सकते हो, मतलब प्रोफेशनली स्मूथ कर सकते हो। बहुत ही अच्छा लगेगा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस। तो वीडियो को शुरू से लेकर आप तक देखना, वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वो भी हम आपको बताएंगे पिकशॉट में। चलिए इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमें अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। हमारे इंस्टाग्राम आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने आर्या, आप देख रहे हो आर्या आईडीज। तो भाइयों, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि पिकशॉट के अंदर हमने एक फोटो को इंपोर्ट कर लिया है। इस फोटो को हम आपको जूम करके दिखाते हैं। आप यहाँ पे देख लीजिए, इसके फेस पे पिंपल्स काफ़ी ज़्यादा हैं और यहाँ पे जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा डल हो चुकी है फेस, और ये बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है। तो इस फेस को हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आप कैसे स्मूथ कर सकते हो अपने फोटो में, आप अपना फोटो फेस कैसे स्मूथ कर सकते हो वो भी प्रोफेशनली। तो चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको ब्यूटी वाले टूल में जाना होगा। पिकशॉट के अंदर अपने फोटो को इंपोर्ट करने के बाद यहाँ ब्यूटी पे क्लिक करना होगा आपको। और गाइस, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले फेस फिक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ये रही गाइस फेस फिक्स, हम इस पे क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करने के बाद अपने फोटो को आपको जूम करना है और इस तरीके से आपको ब्रश कर देना है, मतलब पूरे फेस पे आपको इसी तरीके से ड्रॉ करते चले जाना है। आपको ये नहीं देखना है कि कितना हो रहा नहीं हो रहा, आपको सिंपली इसे ड्रॉ करते जाना है पूरा फेस पे। तो मैं इसे पूरा फेस पे गाइस ड्रॉ कर लेता हूँ, यानी कि इस तरीके से चला लेता हूँ। उसके बाद आपको बताता हूँ कि देख रहे हैं कि फेस कितना स्मूथ हो रही है या नहीं हो रही है, और भी कुछ ट्रिक है जो कि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो मैं जल्दी जल्दी से कर लेता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप समझ भी पाएं। तो गाइज, इतना हो जाने के बाद इसकी अमाउंट को आप चाहो तो बढ़ा सकते हो। तो आपको अपने हिसाब से आपको देख लेना है आपको कितना इसकी अमाउंट को चाहिए। मैंने यहाँ से पूरा फुल कर दिया, तो अब देख लीजिए फेस काफ़ी ज़्यादा जो है स्मूथ हो चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ कुछ जो है अभी गड्ढे जैसा, मतलब फेस पे जो थोड़ा थोड़ा सा नहीं होता है वो बन चुका है, यानी कि अभी भी पूरा फेस स्मूथ नहीं हुआ है। तो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इस फोटो को सिंपली डन कर देंगे वहाँ से, और दोबारा से आपको ब्यूटी वाले टूल में जाना है और आपको फिर से फेस फिक्स वाले ऑप्शन में जाना होगा और अपने फोटो को जूम करना है और इस तरीके से इसे आपको चला देना होगा पूरे फेस पे। तो मैं यहाँ से गए पूरे फेस पे फिर से चला दे रहा हूँ ब्यूटी वाले टूल में जाकर फेस फिक्स में। तो मैं यहाँ से गए जल्दी जल्दी से चला लेता हूँ ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आप अच्छे तरीके से हम आपको समझा भी पाए। तो गाइस, यहाँ पे इतना काम फिनिश होने के बाद अब देख लीजिए हमारी फेस काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनली स्मूथ हो चुकी है। अब हम आपको बिफोर एंड आफ्टर देख लीजिए गाइस दिखा रहे हैं। तो गाइस, ये रही बिफोर एंड आफ्टर की पिक, देख लीजिए बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर में काफ़ी ज़्यादा फेस जो है मतलब डल थी और इस तरीके से मतलब अच्छी नहीं लग रही थी। अब आपको टूल्स वाले ऑप्शन पर जाना है। यहाँ आने के बाद अब आपको एडजस्ट में जाना है और यहाँ पे आने के बाद अपनी फोटो को जो है अब मतलब व्हाइट करना है, गोरा करना है। तो इसके लिए हम ब्राइटनेस को बढ़ाएंगे और सैचुरेशन को कम कर देंगे। तो इतना हो जाने के बाद गाइस, अब आपको इरेजर को सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ से इरेजर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद अब आपको इन्वर्ट पे क्लिक करना है। इन्वर्ट पे क्लिक करने के बाद अपने फोटो को जूम करना है और इस तरीके से अब आपको पूरे फेस पे चला देना है। इससे क्या होगा कि आपकी फेस जो है अब वाइट होगी, मतलब गोरा हो जाएगी। तो इस तरीके से गाइस अब आपको कर लेना है ताकि आपकी फ़ोटो मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है स्मूथ लगे और मतलब वाइट भी लगे। तो ऐसे ही अब आपको पूरे फेस पे ड्रॉ करना है, याद रहे कि इधर उधर नहीं करना है। और यहाँ से सिचुएशन को आपको अपने हिसाब से देखना है और ब्राइटनेस को, कि आपको अपने फेस पे कितना ब्राइटनेस चाहिए, कितना आपका फेस वाइट चाहिए, ये आप खुद से डिसाइड कर सकते हो। मैं यहाँ से 15-20 के अराउंड रख दूंगा और यहाँ पे आप देख लीजिएगा बिफोर एंड आफ्टर, काफ़ी गजब की हमारी फेस यहाँ पे स्मूथ हो चुकी है बिल्कुल प्रोफेशनली। अब इस फोटो को सेव करना है, वो भी फुल HD में। तो उसके लिए गाइज हम यहाँ ड्रॉ वाले टूल में जाएंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ऊपर ड्रॉ पे क्लिक करेंगे और यहाँ आने के बाद अब आपको ऊपर 3 डॉट के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, यानी कि यहाँ पे। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ सेव इमेज पे क्लिक करके अपनी फोटो को सेव कर लेना है। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको अपने फेस को जो है स्मूथ करना है, वो भी पिकशॉट ऐप की मदद से। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।